वेलकम टू टीम टेक। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, तो आज बात कर लेते हैं आईफोन यूजर्स के लिए। तो हमने व्हाट्सएप के लिए 5 iOS टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ के निकाली है, दैट विल ब्लो योर माइंड। हिंदी में बोले तो होश उड़ा देगी। तो बात कर लेते हैं पहली टिप की। तो मान लीजिए व्हाट्सएप पे आपको किसी ने मैसेजेस किए और वो आप नोटिफिकेशन स्क्रीन से स्वैप कर देते। तो देखिए, जैसे मुझे अभी 3 मैसेजेस आए हुए हैं और इनको मैंने नोटिफिकेशन स्क्रीन से स्वैप कर दिया। आपसे ये गलती से हो जाए और अब इस वक्त नोटिफिकेशन स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं है और आपको ये मैसेजेस तीनों पढ़ने हैं, और ये भी ज़रूरी है कि सामने वाले के पास रीड रिसीव ना जाए, तो क्या कर सकते हैं? आपको अपना व्हाट्सएप खोलना है, ऐसे जो भी मैसेजेस वाली चैट है उसको लॉन्ग प्रेस करना है, एंड हियर यू गो, आप तीनों मैसेजेस बिना रीड रिसीव सामने वाले के भेजे पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं आपकी अभी भी चारों मैसेजेस पे 4 का आइकन है और ये मैसेज आपने पढ़ भी लिए हैं और सामने वाले के पास रीड रिसीव भी नहीं गई है। दूसरी ट्रिक की बात करें तो ये बहुत ही अमेजिंग है। तो मान लीजिए आपको कोई इनवाइट भेजता है किसी पर्टिकुलर डेट पे और आपको उसे कैलेंडर में ऐड करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि वापस स्क्रीन पे जाते हैं, होम स्क्रीन पे कैलेंडर ओपन करते हैं और उसके बाद वो पर्टिकुलर इनवाइट भेजते हैं। पर अगर उसी मैसेज में हमें डेट देखने को मिले तो उसको हम डायरेक्ट कैसे इवेंट में सेव कर सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो रिंसू क्रिसमस पार्टी ऑन 27th December। तो 27th December में एक नीचे लाइन आपको देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ इसको क्लिक करना है, क्रिएट इवेंट पे जाना है, देर यू गो, आप यहाँ पे पार्टी का टाइटल सेव कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं, कोई अगर फोटो अटैच करनी है तो वो कर सकते हैं, और ऐड पे क्लिक करते ही दिस इवेंट विल स्टेट गो टू योर कैलेंडर। तो ये जो इवेंट है ये डिफरेंट डेट्स और के फॉर्मेट्स पे काम कर सकता है। जैसे 27/12/2021 में डेट आया तो इस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी क्रिएट इवेंट कर सकते हैं। 27/12/2021 ऐसे आया तो यहाँ पे भी आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, और सिर्फ 27th December आया तब भी आपने इवेंट क्रिएट किया था। तो बात करते हैं थर्ड टिप की। तो मान लीजिए आपको किसी को कोई फ़ोटो शेयर करनी है, तो जैसे स्नैपचैट पे होता था कि 1 time विजिबिलिटी रहती थी, जैसे ही वो फ़ोटो सामने वाले ने ओपन करी वो हट जाती थी। तो सेम व्हाट्सएप में भी ऐसा ही एक डिसिपेयरिंग फ़ोटोज़ के नाम से फीचर ऐड हुआ है, देख लेते हो कैसे काम करता है। तो ये फ़ोटो है जो आपको शेयर करनी है सामने, आपने इसको अपने कॉन्टैक्ट्स में भेजी, यहाँ पे ध्यान से देखिए एक आइकन बना हुआ है, इसको 1 लिखा हुआ है, आप इसको 1 पे प्रेस कीजिए तो फोटो सेट टू व्यू वंस। अभी जैसे ही सामने जाएगी ध्यान से देखिए, अब ये फोटो हमारी गैलरी में भी नहीं है और सामने लिखा हुआ है ओपन्ड, तो सामने वाले के पास ये सिर्फ 1 time विजिबल होगी। हालांकि वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इस फोटो का, पर वो उसके पास गैलरी में ये फोटो सेव नहीं होगी, सिर्फ 1 time वॉच के लिए फोटो है। कि 1 time शो फोटो अगर आपको रिसीव होगी तो किस तरीके से आएगी वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फोटो यहाँ पे लिखी हुई आई है, यहाँ पे आइकन बना हुआ है 1 का, इसको जैसे ही आपने ओपन करी यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन आता है, दिस फोटो इज सेट टू व्यू वंस, फॉर मोर प्राइवेसी दिस फोटो विल डिसअपीयर आफ्टर यू क्लोज इट। तो आपने ओपन करी, टीम टेक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसी कमाल की वीडियोज अगर आपको देखनी है तो। जैसे ही आपने बैक करेंगे इस फोटो पे तो ये ओपन आई। चौथी ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी को वॉइस नोट भेजना है तो आप इस पे आइकन पे लॉन्ग प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी, और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो वॉइस नोट सीधे डिलीवर हो जाता है, तो प्रीव्यू देखने का आपको मौका ही नहीं मिलता कि एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड हुआ है, कुछ गलत चीज़ तो नहीं बोली गई है। तो इसकी बहुत ही अमेजिंग एक ट्रिक हमें पता चली है, वो ये है कि आपको वॉइस नोट ऐसे रिकॉर्ड करके रखना है और ऊपर स्वैप करके इसको लॉक कर देना है। तो हो क्या रहा होगा, आप इधर देखेंगे कि वॉइस अभी भी लगातार रिकॉर्ड हो रही है आपकी, और इसको आपको बस होम स्क्रीन से ऐसे बाहर आना है प्रेस करके। इस वक्त जैसे ही आप बाहर आए वहाँ पे पॉज हो चुकी है वो रिकॉर्डिंग, वापस आप अपने व्हाट्सएप पे गए, यहाँ पे आप प्रीव्यू सुन सकते हैं, देख लीजिए वॉइस नोट चल रहा है। और जैसे ही आपको लगा कि आपका प्रीव्यू ओके है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है वॉइस नोट में जो किसी को हार्म कर सके या जो आप नहीं भेजना चाहते थे, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू टिक क्लिक करना है, देर यू गो, आपने प्रीव्यू भी दे सुन लिया और आपका वॉइस नोट भी चला गया। तो
पांचवी जो कमाल की ट्रिक है वो भी वॉइस नोट से रिलेटेड ही है। तो आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपको लंबे लंबे वॉइस नोट भेजते हैं जिसको सुनने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि कोई लंबा वॉइस नोट आया 17 सेकंड्स का, तो इस वॉइस नोट को आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। आपको क्या करना होगा, वॉइस नोट ऐसे से प्ले करना होगा। यहाँ पे देखिए आइकन बना हुआ है 1x का, इसको 1x को आपको प्रेस करना है। तो 1.5 स्पीड से होगा, 2x प्रेस करते ही 2x की स्पीड से ये वॉइस नोट चलेगा। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। तो दोस्तों ये थी इस महीने की 5 व्हाट्सएप ट्रिक्स। अगले महीने दोबारा मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी। मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं बोलता हूँ फिर तू देखियो। तो आज हम बात करेंगे 5 व्हाट्सएप ट्रिक्स की। अभिषेक क्या करेंगे ये ट्रिक्स? फोन छुड़ा देंगे मैं। दम लगा के बोल बे, दम लगा के क्या करेंगे ये ट्रिक्स? भाई बोल ना भाई, होश उड़ा देंगे ऐसे बोल दमदार करके। तो भाई ये तो अजीब सी वीडियो बनेगी। अरे नहीं यार, बहुत बेइज्जती होगी। तू बोल, तू एक बार बोल भाई, होश उड़ा देगी। बहुत बेइज्जती होगी। अरे बोल तो सही भाई, एक बार होश उड़ा देगी। होश उड़ा देगी, अबे दम से बोल भाई, होश उड़ा देंगे। कैमरा नहीं है तेरे ऊपर जो तू डर रहा है, अब तो ढंग से बोल ना। अभिषेक आज क्या करेंगे ये वीडियो? होश उड़ा देगी। भाई होश उड़ा देगी ऐसे भाई, जैसे नॉर्मल बात करते तू है ना वैसे भाई, होश उड़ा देगी। मैं तो बंद बार बोल रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे 5 व्हाट्सएप iOS ट्रिक्स की। तो अभिषेक ये वीडियो क्या करेगी? भाई होश उड़ा देगी। नहीं, अजीब लगेगी।